नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे मैरिड लाइफ के लिए वास्तु टिप्स। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। आज के बदलते दौर में हर कोई चाहता है कि उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल हो और ज़िंदगी भर हंसी खुशी से बीते। लेकिन आज के समय में ऐसा हर किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में मुमकिन नहीं है। शक, लड़ाई झगड़े, समझ का अभाव आदि बातों की वजह से रिश्तों में मनमुटाव पैदा हो जाता है, जो कि एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में हम बहुत से प्रयास करते हैं लेकिन नतीजा मनचाहा नहीं मिलता और रिश्तों में तनाव दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। अगर ऐसे में हम कुछ वास्तु टिप्स का ध्यान रखें तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को फिर से रंगीन बना सकते हैं। वास्तु उपायों से न सिर्फ आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल होगी बल्कि आप दोनों में भरपूर प्यार रहेगा। आइए जानते हैं शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के वास्तु टिप्स के बारे में। अगर शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो अपनाएं यह वास्तु टिप्स। बेडरूम में खिड़की का होना। आपके बेडरूम में एक खिड़की ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि आप दोनों के बीच तनाव कम और प्यार बना रहे। आईना। बेडरूम में आईना लगाना वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा और सही माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच आई दरार खत्म होती है और उनमें प्यार बढ़ता है। लव बर्ड्स। अपने बेडरूम में लव बर्ड्स की तस्वीरें रखें जो आपको एक दूसरे के बीच प्यार का एहसास कराएगी। यह प्रेम का प्रतीक होते हैं और इससे आप दोनों के बीच प्रेम बना रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान से दूरी रखें। बेडरूम में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें, क्योंकि वास्तु के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा कम होती है और इसका प्रभाव आपके रिश्ते पर पड़ता है। मुरझाए और कांटे वाले फूल ना रखें। अपने बेडरूम में कभी भी मुरझाए और कांटे वाले फूल ना रखें, क्योंकि इससे पति पत्नी के बीच तनाव पैदा होता है। सोने का तरीका सही हो। पत्नी को पति के बाई ओर सोना चाहिए और हमेशा सोने के लिए एक ही लंबे तकिए का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपस में प्यार बढ़ता है। उचित रंग का प्रयोग करें। जिस कमरे में पति और पत्नी सोते हैं उस कमरे का रंग हल्का गुलाबी या हल्का हरा रखें। भूल से ही गाढ़े रंग का प्रयोग ना करें। यह रंग सुहाने वाले माने जाते हैं और इससे दोनों के बीच तनाव और दूरियां खत्म होती हैं। बेडरूम में देवी देवताओं की तस्वीर ना लगाएं। जिस कमरे में पति पत्नी सोते हैं उस कमरे में देवी देवताओं के चित्र ना लगाएं और पति पत्नी को अपने पैरों की तरफ बहते हुए जल की बड़ी सी तस्वीर लगानी चाहिए। बहता हुआ जल प्यार का प्रतीक है। मनी प्लांट लगाएं। वास्तु के अनुसार घर में मनी प्लांट लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह शुक्र का प्रतीक है और इससे पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं और उनमें प्यार बढ़ता है। ये थी जानकारी कि शादीशुदा ज़िंदगी को आप खुशहाल बनाने के लिए कौन से वास्तु टिप्स आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।